रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ की पत्रकार परिषद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ के प्रदेश कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग नागपुर रवि भवन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस्पात मंत्रालय के सदस्य तथा D2 ऑल इंडिया SC ST फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील रामटेके इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब आदि के पदाधिकारी एवं प्रदेशाध्यक्ष उपस्थित थे। इस ऐतिहासिक अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील हरिश्चंद्र रामटेके ने कहा कि मेरे परम मित्र डॉक्टर सेवक गजबीय, जो की D2 एवं फेडरेशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर है एवं महाराष्ट्र शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत है, जिनकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी। 27 अप्रैल को उनकी नागपुर में बरसी श्रद्धांजलि सभा संपन्न हुई, जिसमें महाराष्ट्र के प्रतिनिधि, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें महाराष्ट्र सहित देश के सभी प्रांत के पदाधिकारी उपस्थित थे। पश्चात केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक रवि भवन में संपन्न हुई, जिसमें सर्वानुमत से निर्णय लिया गया कि आगामी माह में अंतिम सप्ताह में शोषित, वंचित बहुजन एवं रिपब्लिकन जनता को न्याय दिलाने के लिए नई दिल्ली संसद भवन पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश सहित देश भर के लाखों लोग उस धरना एवं प्रदर्शन में शामिल होंगे। साथ ही आगामी नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएगी। इसका मुख्य कारण यह है कि RPI के अनेक गट में होने के कारण RPI अपना अस्तित्व बचाने के लिए सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय चुनाव आयोग नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने के कारण अपने अस्तित्व को बचा कर रखेगी। RPI खोबरागढ़, नागपुर सहित अन्य महानगरों में होने जा रहे चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल में समझौता नहीं करेगी। इसका मुख्य कारण RPI खोबरागढ़ के अनेक बार नागपुर में महापौर, आमदार एवं खासदार रहे हैं, जिसमें विभिन्न बहुजन समाज के लोग आज भी पार्टी पर विश्वास करते हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश खापर्डे, राष्ट्रीय महासचिव तुलसी पगारे, नागपुर प्रदेश सचिव राजेंद्र कुमार मिश्रा एवं जनबंधु, इसके अतिरिक्त महिलाओं में ज्योति खोबरागढ़े, रेखा वाहने प्रधान, नवनियुक्त नागपुर प्रदेश अध्यक्ष नीलिमा डंभारे और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। गठबंधन की राजनीति जरूरी भी है और नहीं भी है। पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए, पार्टी का अस्तित्व निर्माण करने के लिए सारे प्रभाव सारे सीटों पर अर्पित होकर चुनाव लड़े। आप एकमात्र पार्टी है जिसका एक चुनाव आयोग में नोंदनीकृत हुआ, कई सालों से आप नोंदनीकृत हो, तो ये जो बाकी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो एक से डेढ़ तक के जो है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, रिपब्लिकन पार्टी के नाम से निर्वाचन आयोग भारत सरकार में एक ही पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़, रिपब्लिकन के नाम। बाकी और भी पार्टियों के नाम बताओ तो मैं बताऊंगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज, नागपुर।